हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक सोडियम नाइट्रो प्यूसाइड टेस्ट की पूरी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, हमें अगर कीटोनिक ग्रुप के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करना होता है तो उसके लिए एक सोडियम नाइट्रो प्यूसाइड टेस्ट का यूज़ किया जा सकता है। और ये टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज जो एक्टिविटी मैं परफॉर्म करूँगा वो हमारे पास एसीटोन होगा। एसीटोन के पास हमारे पास एक एक्चुअल में कीटोनिक ग्रुप होता है इसके अंदर, और कीटोनिक ग्रुप हमारे पास अगर हो तो हम सोडियम नाइट्रो प्यूसाइड टेस्ट का यूज़ करने के बाद ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो कीटोनिक ग्रुप का ही कोई एग्जांपल था। सो फॉर दैट मैं आपके सामने सोडियम नाइट्रो प्यूसाइड टेस्ट का एक रिटर्न कंटेंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सोडियम नाइट्रो प्यूसाइड टेस्ट और इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ये देखें एक्सपेरिमेंट क्या है। आज एसीटोन जिसके पास कीटोनिक ग्रुप होता है उसको मैं एज दिस एक्टिविटी यूज़ करने वाला हूँ, और उसके अंदर हम बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रो प्यूसाइड सोल्यूशन का ऐड करेंगे। मतलब जो नाइट्रो प्यूसाइड होगा, सोडियम नाइट्रो प्यूसाइड ये है, ये हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना होता है। एंड इट इज़ यूज, ये लिखा भी है, रीजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसीटोन एंड एल्डिहाइड। सो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो सोडियम नाइट्रो प्यूसाइड है ये बहुत सारे डिटेक्शन करता है किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, जैसे कि एसीटोन है, जैसे कि एल्डिहाइड है। और इसका जो केमिकल फार्मूलेशन है ये है C5FeN6Na2O, और इसको सोडियम नाइट्रोफेरिसाइनाइड के नाम से भी जाना जाता है। सो ये तो हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक रिएजेंट। तो क्या करना होगा पूरे टेस्ट में उसके बारे में समझते हैं। पहले एसीटोन को हमने लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रो प्यूसाइड सॉल्यूशन में ऐड किया, फिर धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर होता है या करना है, हमने जब ये एक्टिविटी को हम परफॉर्म करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है, और ड्रॉप वाइज वन टू वन ड्रॉप जो है उसके अंदर ऐड करते चले जाना है। सो हमें क्या डिटेक्शन देखने को क्या मिलेगा ऑब्जर्वेशन में, ए वाइन रेड कलर जो है इंडिकेट करेगा ये टेस्ट जो है, और जिससे कि इन्फ्लुएंस का मतलब है कि इससे हमें किसके बारे में पता चलता है, हमें किसके बारे में पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कीटोनिक ग्रुप इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर अवेलेबल है। सो मैंने आपकी पूरी स्कीम जो है यहाँ बता दी है। सो लेट अस बिगिन दिस एक्टिविटी। सबसे पहले हम एसीटोन को लेके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखें, एक टेस्ट ट्यूब मैंने ली और ये एसीटोन है, इसको मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो एक बार यहाँ टेस्ट मैं बता देता हूँ कि एसीटोन भी एक ऑर्गेनिक हमारे पास सॉल्वेंट होता है, और ये काफ़ी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का भी होता है एसीटोन, ये देखें। और यहाँ एक इंडिकेशन भी लिखा है कि कीप अवे फ्रॉम द फायर, फ्रॉम प्लास्टिक आई ग्लास फ्रेम ज्वेलरी पेंस। सो ये जो एसीटोन है ये काफ़ी मतलब यहाँ बहुत जल्दी जो है आग को पकड़ लेता है, और अगर आसपास कोई प्लास्टिक का फ्रेम है, ज्वेलरी है या कुछ इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दूर रखना चाहिए इससे, एसीटोन से। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्वेंट फॉर फैट ऑयल वैक्सेस वार्निश वार्निश रिमूवर, इनमें भी ये यूज़ होता है।
तो देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको परफॉर्म करते हैं। ये देखें, ये मैं कुछ ड्रॉपलेट जो है वन बाय वन इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, और एक और मैं आपको हाथ हाथ के अंदर ये एसीटोन डाल के दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत जल्दी ही ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होने के की वजह से ये बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है। ये देखें एसीटोन जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गायब, पता ही नहीं चला कि एसीटोन मैंने फिंगर्स में डाला था भी या नहीं डाला था। ये देखो आपके सामने है। और अगर आपको ये बहुत देर तक ये बोतल जो है ओपन रहेगी तो भी आपको एसीटोन लॉस में ही मिलेगा, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है ये। सो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टास्क है सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड को लेकर के, इसका हमने क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना होता है। और ये देखें, ये मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर अब हम इसको ऐड करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। फ्रेंड्स, ऐड करने से पहले मैं आपको सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड जो होता है किस कैसा सॉल्ट होता है इसको दिखा रहा हूँ वाच ग्लास के थ्रू। ये देखें, ये है आपका सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड, और सोडियम नाइट्रोफेरिसाइनाइड के नाम से इसको जानते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये देखें, अभी मैं फ्लैश लाइट ऑन कर रहा हूँ और लाइट में ये इस तरह से सॉल्ट दिखता है। ये देखें, और ये देखें, और अभी इसका सॉल्यूशन बनाना है बहुत थोड़े अमाउंट में, तो सॉल्यूशन बनाते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ये सॉल्ट डाल दिया है, ये देखें, ये है नाइट्रो प्यूरिसाइड, और इसके अंदर अभी थोड़ा सा वाटर ऐड करना है हमें। ये मैंने वाटर ऐड कर दिया है टेस्ट ट्यूब में, और धीरे धीरे ये सॉल्यूशन जो है बनते जा रहा है। ये देखिए, ये सॉल्यूशन जो है बनेगा भी। ये बन रहा है, सो इसको स्टीरिंग करते हैं सो दैट थोड़ा जल्दी बन जाए। ये देखें, हिलाने से टेस्ट ट्यूब को इस तरह से सॉल्यूशन जो है इंडिकेट हो रहा है, और देखते हैं थोड़ी देर के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से सॉल्यूशन जो है इस कलर में इंडिकेट हो रहा है, सोडियम फेरोसाइनाइड का जो सॉल्यूशन है वो, या आप यूँ कह सकते हैं सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड का सॉल्यूशन इस तरह से आपको विजिबलाइज होता है। ये देखें, ये मैं लाइट में इस टेस्ट ट्यूब को रख रहा हूँ, और ये सॉल्यूशन लगभग बन चुका है। सो अभी हमें करना क्या है, जो एसीटोन है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने, जो आपको कलरलेस इंडिकेट हो रहा होगा इसके अंदर, फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है एसीटोन ऐड किया है। सो अभी धीरे धीरे हम इसको एसीटोन के अंदर जो सोडियम नाइट्रो प्यूरिसाइड का सॉल्यूशन बनाया था उसको ऐड करने वाले हैं, तो वेट करें। सो लेट अस बिगिन, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, ये देखते हैं 2-3 ml करना है, बहुत थोड़ा सा आपने ऐड करना है लगभग, ये देखो बस सफिशिएंट है इतना। और एसीटोन के अंदर मैंने ये सॉल्यूशन ऐड कर दिया है। सो अभी इसका कलर भी आप ध्यान से देखें किस तरह से आपको ये लग रहा है, ये बना अभी। और अभी आपके सामने फ्रेंड्स ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब मैं दिखा रहा हूँ, तो जो लेस कलर्ड है
ये जो ब्राउन और ये रेड कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, वाइन कलर का, ये बिल्कुल लेस कलर का हो कलर है जो, ये तो आपके पास एसीटोन एडेड है और ये प्योर सोडियम नाइट्रोपिरोक्साइड का हमारे पास सॉल्यूशन है। और ये जो दिखा रहा हूँ मैं अभी फिंगर के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हमारे पास एसीटोन एडेड, ये जो सॉल्यूशन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना के रखा हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है मेरे पास, ये देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इस तरह से है। और इसको हम विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ये देखें इस तरह से सॉल्ट है वो, इसको निकालेंगे और 1, 2, 3 ड्रॉप्स जो है उस एसीटोन एडेड सोडियम नाइट्रोपिरोक्साइड के अंदर इसको और ऐड करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। सो ये ड्रॉपर की मदद से होगा, ये मैंने कुछ ड्रॉपलेट जो है ऐड कर ली सोडियम नाइट्रो सॉरी ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना था तो मैंने ये ले लिया। अब इस ड्रॉपर के अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी जो कि ये है, इसके अंदर हम 1 by 1 ये ड्रॉप लेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऐड करते हैं और पहचानते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं, बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना है। ये देखें ये जो कलर जो है, ये देखें रेड वाइन कलर में ये आपको दिखेगा, एक ड्रॉप ही डाली मैंने अभी, ये सेकंड ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैंने ऐड की और ये देखें कलर किस तरह से आपको बिल्कुल डार्क वाइन कलर का आपको, ये देखें फ्रेंड्स ये बन रहा है, ये बन रहा है जैसे बिल्कुल ब्लड का कलर होता है, ऐसा कुछ इंडिकेट हो रहा है मुझे, ये देखें ये है ये कलर देखें। अब मैं सोडियम एक बार इसको देख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं और इसको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें और ये है आपके पास फाइनल ऑब्जर्वेशन। सो इन दोनों ही कलर के अंदर थोड़ा सा बेसिक फर्क है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये वाली जो मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस वन ये तो हमारे पास फाइनल ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व की ये जो, और फ्रेंड्स ये सामने वाले ये तो सिंपल क्या था, सोडियम नाइट्रोपिरोक्साइड का सॉल्यूशन था। तो दोनों के बीच में अब देखो क्या फर्क है, ये देखें ये देखें ये बेसिक फर्क है। सो अभी मैं और आपको इसी सॉल्यूशन को जो कि फाइनली प्रोडक्ट में बना वो मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो कि हमने कंटेंट में दिखाया था, मतलब ये फाइनली ये यहां क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन, ए वाइन रेड कलर अगर इंडिकेट होता है दैट मींस व्हाट, हमारे पास कीटोनिक ग्रुप जो होगा गिवन सॉल्यूशन सॉरी हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर जो कि अभी इस एक्टिविटी के अंदर एसीटोन था वो प्रेजेंट माना जाएगा। तो अभी मैं इसको एक इस ड्रॉपलेट को इसमें से निकाल करके ये मैं नीचे ऐड कर रहा हूँ, ये रेड वाइन कलरेशन जो है वो आपको दिखा रहा है, ये देखें ये मैं नीचे, और टेस्ट ट्यूब को भी दिखा रहा हूँ, ये एक टेस्ट ट्यूब दिखा रही है कलर। तो फ्रेंड्स ये कलर इसको इंडिकेट कर रहा है और ये इस तरह से टेस्ट ट्यूब जो है अभी दिख रही है, ये देखें रेड वाइन कलर इसको बोलते हैं, रेड वाइन कलर। तो रेड वाइन कलर जो है मैं हाथ से इसको टच कर रहा हूँ, ये फील कर, रेड वाइन कलर इसका मतलब एसीटोन ग्रुप के लिए सोडियम नाइट्रोपिरोक्साइड टेस्ट में
देखने को मिलती है। और अभी इसको फाइनली मैं लाइट से भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें, और एज़ वेल एज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।